इस वर्ष पितृपक्ष मास की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है, जो 2 अक्टूबर तक रहेगा। श्राद्ध पितरों की तिथि के अनुसार किया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध या तर्पण का महत्व है। आमतौर पर पुरुष ये काम करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाएं भी पितरों के निमित्त श्राद्ध या तर्पण कर सकती हैं? किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं हैं तो ऐसे में परिवार की महिलाएं अपने पिता के श्राद्ध और पिंड का दान कर सकती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई पुत्री सच्चे मन से अपने पिता का श्राद्ध करती है तो पुत्र के ना होने पर पिता उसे स्वीकार कर आशीर्वाद देते हैं। वहीं परिवार में पुरुषों की अनुपस्थिति में महिलाएं भी श्राद्ध करने की हकदार होती है। गया वैदिक मंत्रालय पाठशाला के पंडित राजा आचार्य ने बताया कि गया के फल्गु तट पर स्थित सीता कुंड के पास माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। राजा दशरथ की इच्छा का पालन करते हुए माता सीता ने तब फल्गु नदी, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इस तरह से शास्त्रों में भी पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्र वधु को पिंडदान या श्राद्ध का अधिकार प्राप्त हुआ, और तब से गया जी में महिलाएं भी अपने पूर्वजों का पिंडदान करती हैं। गया जी में क्योंकि कुछ ऐसा वर्णन आता है कि माता सीता अपने ससुर दशरथ जी के लिए नदी तट पर फल्गुनी नदी के निकट उन्होंने पिंड प्रदान किया था, इसलिए गया क्षेत्र में महिलाएं पिंड प्रदान करने का भी कुछ नियम अनेकों वर्षों से चला आ रहा है। इसमें कुछ कारण यद्यपि क्योंकि तीर्थक में प्राधानिकता श्राद्ध कर्म में तिल का लेना, यज्ञोपवीत धारण करना इत्यादि आता है, इसलिए कुछ सुवर्ण जातियों में महिलाएं पिंड प्रदान करने हेतु नहीं बैठते हैं, अन्यत्र अनेक लोग करते भी हैं। और बेटियां रहे, बहू रहे, कोई माता रहे या कोई किन्हीं के पति गुजर गए उनकी श्रीमती रहे, वो भी यहाँ पिंड प्रदान अनेकों लोग करते हैं।